हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अरूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है, ये पेपर है आपका बिहार का एंड दिस पेपर इज रिलेटेड विद द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन TRE 2.0, मतलब जो अभी सेकेंड एग्जाम हो रहा है सेकेंड टर्म का इसी साल के अंदर, तो उसका पेपर है और ये एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है ऑन 7th दिसंबर 2023 को। थोड़ा सा लेट हूँ मैं सॉल्यूशन देने में, बट आज 9 तारीख हो गई है, ये पेपर 7 तारीख हो चुका है ऑलरेडी, तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने अपने आंसर्स को चेक कर लिया होगा, बट जिन्होंने नहीं किया है तो वो लोग अपना चेक कर सकते हैं आंसर्स को। तो ये पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन दिखेंगे 1 to 150, आपको 150 क्वेश्चन देखने के हैं। और इस पेपर के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर हम लोग जो है पूरे के पूरे 1 to 150 questions के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए टाइम हो चुका होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे आंसर्स को प्रोवाइड करूँ, बट जिस दिन पेपर होता है उस दिन मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर टच करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर इंग्लिश है, जनरल स्टडीज और हाँ, ये किस पोस्ट के लिए था, ये पोस्ट थी आपकी हेडमास्टर की पोस्ट के लिए ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है। ठीक है, 7th दिसंबर 2023 को। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर लैंग्वेज क्वेश्चन है, दैट इज इंग्लिश के क्वेश्चन है आपके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द पोएम रिटन बाय दिनकर आर ऑफ द मोस्ट अपीलिंग क्वालिटी। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, थोड़ा सा मोटा हो गया मार्क पेन। ओके, ऑप्शन सी यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द कार। कार के अंदर क्या नहीं मिलता है, कार के अंदर आपको पिस्तौल देखने को नहीं मिलेगी, बाकी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अ सिस्टर्स हस्बैंड इज कॉल्ड इन इंग्लिश एज अ, इंग्लिश में सिस्टर के हस्बैंड को क्या कहते हैं, वो कहते हैं आपका ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, सॉरी 5 तो हो चुका, 3, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको ए एन द, ये तीनों आर्टिकल्स को आपको यूज करना है। तो फर्स्ट में है द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ऑप्शन सी। औरंगाबाद इज अ लेसर नोन सिटी ऑन बिहार, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द 7th planet फ्रॉम द सन, 7th planet कौन सा है सन के, ये है आपका यूरेनस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इज द लास्ट डे ऑफ अ वीक इज सैटरडे, देन द थर्ड डे विल क्या होगा आपका, ट्यूजडे होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ये आपके हिंदी के क्वेश्चन है, यहाँ पर लैंग्वेज के क्वेश्चन चल रहे थे। विकारी शब्द का अर्थ क्या है, विकारी शब्द का अर्थ होता है आपका परिवर्तन। मध्य पुरुष एक वचन का मूल रूप क्या है, इसका मूल रूप होता है आपका तुम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सुहावना कौन सा प्रत्यय है, सुहावना के अंदर प्रत्यय कौन सा है, यहां पर है गुणवाचक प्रत्यय। जिन शब्दों का अर्थ सीमित या सुकिचित क्षेत्र से निकलकर अधिक वृत्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अर्थ विस्तार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है, हिंदी में कौन सा अव्यय शब्द संबंध तत्व का कार्य करता है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका तथापि, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तीन का विकास किस संस्कृत शब्द से हुआ है, तो तीन का विकास जो है वो होता है आपका त्रिणी से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बादल खूब गरज किंतु वर्षा नहीं हुई, कौन सा वाक्य है, यह कौन सा वाक्य है, यह है आपका संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अनिल हंसता है कौन सी क्रिया है, इसके अंदर जो क्रिया है वो कहलाती है आपकी
अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई थी भारत के अंदर। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का मूल स्रोत है, कौन सा मूल स्रोत है, यहां पर 18वें प्रश्न में पूछा है, तो इसका आंसर है संस्कृत। किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो ये प्रयोग हुआ है आपका रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 21वें प्रश्न का। 22वें प्रश्न है, कौन सा शब्द न्यूपसर्ग से बना है? न्यूपसर्ग से जो शब्द बना है वो इनमें से मेरे ख्याल से यहां पर देखिए ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी ई नॉट सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, कौन सी ध्वनि युग्म ध्वनि है? तो यहां पर जो युग्म ध्वनि है वो है दिक्कत। ठीक है, तथैव का संधि विच्छेद क्या है? तथैव का संधि विच्छेद होता है तथा प्लस एव, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 23वां प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहां पर चारों रहेंगे मेरे ख्याल से, यहां पर उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में कोई भी नहीं। मुहावरे और अर्थ की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये भी गलत है, ये गलत, तीनों गलत है। दैट मीन्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त, एक मिनट, हाँ उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब तीनों गलत है तो एक से अधिक हो गया, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 24वें प्रश्न का। 25वें प्रश्न पर आते हैं, वक्रोक्ति जीवित की रचना किसने की है? ये इसकी रचना करी है 25वें प्रश्न का उत्तर है कुतक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 28वें प्रश्न की बात करें तो 22 से 26 वर्णों तक के चार वर्णों वाला छंद क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका समैया छंद, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बीती विभावरी जगरी, तो इसमें जो है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये पूछा गया है, तो यहाँ पर जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार। ठीक है, राजभाषा विशेषक विधेयक 1963 को किसने प्रस्तुत किया था? इसको प्रस्तुत करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 29। देन हम बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सो ये उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ये जो पंक्ति है इसके अंदर रस है वो कौन सा है? वो है आपका विभत्स रस, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। और इस पंक्ति के अंदर छंद के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए इनमें से कोई भी मुझे नहीं लग रहा है ऑप्शन है, तो मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अब हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं जीएस के। अब देखिए जीएस वाले सेक्शन के अंदर आपको मैथमेटिकल और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, उनके मैं आंसर्स आपको डायरेक्टली बताता हूँ। 31 का आंसर होगा 31 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए। 33 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 33 के बाद हम बात करते हैं 32 की। तो 32 के अंदर आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 7500, और 34 का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 4 years। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये हिंदी में है आपका पेपर वही, और ये है आपका इंग्लिश का 35 नंबर क्वेश्चन। सो 35 का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 37 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं 36 एंड 38 को। सो 36 में आपसे पूछा है, हाँ यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, और 38 में होगा आपका 127 ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। ओके,
39 में आपसे पूछा है द डिकम्पोजर ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इज और आर, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई सबके तरफ से हो सकता है, मोर देन वायरस नहीं, बेसिकली वायरस नहीं होगा यहाँ पे, बैक्टीरिया और फंगाई होंगे, तो मोर देन द वन अबव, है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मटीरियल नॉर्मली यूज टू मेक कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज, तो वो कौन सा मटीरियल यूज किया जाता है यहाँ पर, सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है। वाटर एंटर्स फ्रॉम द सॉइल इन टू रूट हेयर ऑफ प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये किसकी प्रेजेंस में वाटर एंटर करता है, ड्यू टू द कौन सा, बेसिकली ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर होता है यहाँ पर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। द कंपाउंड विच ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर मेक्स इट हार्ड, तो हार्ड करता है कंपाउंड कौन सा, CaHCO3 whole twice, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, सो दिस इज द स्टडी ऑफ ऑप्शन सी बर्ड। चंद्रयान 3 सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन, किस डेट में लॉन्च किया गया था, ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पोलन ग्रेन्स इन वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर, ये किस टाइप के फ्लावर्स होते हैं, ये होते हैं ड्राई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विच ग्लैंड प्रोवाइड्स बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन, सो ये जो ग्लैंड है आपका, ये पैनक्रिया होता है, ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, सो विच टीम वॉन्ट्स द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 फुटबॉल फाइनल, सो ये किसने जीता है, ये जीता है स्पेन ने, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। उमन कैंडी फॉर्मर CM ऑफ केरला हु डाइड रिसेंटली एंड रिमेन द MLA फॉर द 53 ईयर्स फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ केरला, सो ये थे आपके, मुझे इसका आंसर याद नहीं है तो मैं इस क्वेश्चन को भी स्किप कर देता हूँ, ठीक है, 49 को मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि आंसर मुझे डाउट है, मेरे को मतलब याद नहीं है, मेरे को पता नहीं है फिलहाल, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। सो द एक्सोक्रिस्ट द फर्स्ट हॉरर फिल्म टू बी नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट पिक्चर ऑस्कर हुज डायरेक्टर विलियम फ्रैंकलिन डाइड रिसेंटली एट एज ऑफ 87 वॉज बेस्ड अ नोवल of the same name written by, so ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है विलियम पीटर ब्लैटली ने, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। Which country was expelled the United Nations Commission on the status of women, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेल हुआ है whereas ईरान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वुमेन वॉज किल्ड ड्यूरिंग हिजाब इन पुलिस कस्टडी इन ईरान, सो यहाँ पर आंसर होगा महसा अमीनी, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स आर टू बी सेंट फॉर हाउ मेनी डेज इन अ मैन मिशन ऑफ H1 गगनयान, तो इसके अंदर कितने लोग भेजे जाएंगे, तो यहाँ पर बात कही गई है 3 एस्ट्रोनॉट्स फॉर 7 डेज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर। ओके नाउ 52 नंबर क्वेश्चन, हु हैज द नेम ऑफ निशा मित्र एंड द नेशनल एम्बेसडर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस फ्री इंडिया कैंपेन, सो 52 का करेक्ट आंसर होगा दीपा मलिक। व्हेन डिड द चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin unveiled the statues of Mahakavi Subramanyam Bharatiyar, so 54th का करेक्ट आंसर होगा इन वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 54 के बाद हम 55 की तरफ। सो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज शेयरिंग लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, दैट इज बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी होगा 55 का करेक्ट आंसर। एंड देन हम बात करें यहाँ पर 56 की, सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में कौन सी शहर है, तो यहाँ पर एजवाल आएगा आपका, नॉर्थ में है ये, ठीक है।
मिलेट आर कॉल्ड मिरेकल ग्रेन्स एंड क्रॉप्स ऑफ द फ्यूचर। वाई ऐसा क्यों है? क्योंकि ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। द शेयर ऑफ माउंटेन इन टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज, सो दिस इज अराउंड 30%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद हम बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज अ लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। सबसे लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया कौन सी रिवर का है? ये है आपका, इनमें से जो रहेगा पुन्नानी रहेगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज ईस्ट बिहार, मतलब ईस्ट बिहार में कौन सा क्लाइमेट जोन है अकॉर्डिंग टू द थॉर्नवेट स्कीम के द्वारा? तो 58 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, C2। फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, सो दीज आर कॉल्ड एज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फ्रॉम वेयर चंद्रयान 3 इज लॉन्च्ड, चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च हुआ है? ये हुआ है श्रीहरिकोटा से, ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। सो हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, दैट इज दादा भाई, नहीं सॉरी एक मिनट, इसमें पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी पूछा गया है ना, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, है ना। 63 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। हु डिसाइडेड टू पर्सुएड गांधी जी टू कम चंपारण, दैट इज राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन बी यहां पर होगा 64 का करेक्ट आंसर। 67, हु स्टार्टेड द एशियाटिक सोसाइटी इन बंगाल इन 1784, सो 67 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर विलियम जोन्स। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ पटना सेशन ऑफ INC 1912, सो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो थे RN मधुर होलकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का, ठीक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 65 की बात करते हैं। लखनऊ पैक्ट टुक प्लेस इन द 1916, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑन द आउटब्रेक ऑफ 1947 द पीपल प्रोक्लेम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट अंडर द साई राम सिंह एट, कहाँ पर? तो एट द प्लेस की बात करी गई है, एट भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड इन, ये सस्पेंड हो जाती है किस साल में? ये 1922 के अंदर, ठीक है। हु वॉज द कमांडर ऑफ ब्रिटिश आर्मी सेंट अगेंस्ट द कुंवर सिंह ड्यूरिंग 1857, तो इनमें से कोई भी नहीं है, दैट इज ऑप्शन ई होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 70 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, 70 हो चुके हैं, ओके चलिए। तो ये हैं आपके एजुकेशन टीचिंग और सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है द बेसिक फाउंडेशन ऑफ फिजिकल मेंटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट आर लेड इन द पीरियड ऑफ, दिस इज लेड इन द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्नर, तो स्लो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, सो यहाँ पर पोजेस लो इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 74 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पिगेट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, तो 72 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 75, अ चाइल्ड हु रीड डॉग एज अ गॉड एंड बैट एज अ टैब फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ लर्नर डिसेबिलिटी, सो दिस कम्स अंडर द आई थिंक ए और बी दोनों रहेंगे, दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। 75 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, स्कूल्स आर सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय द सोसाइटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। टू इनक्यूली सॉरी इनक्यू
क्यूलेट प्रोटेक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू एजुकेशन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ, सो दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड काकोरी एजुकेशन कमीशन. तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव. ठीक है, हु एडवोकेटेड वी डू नॉट वॉन्ट मास प्रोडक्शन बट वी वॉन्ट प्रोडक्शन फॉर द मासेस. सो ये किसने कहा था? ये कहा था आपका महात्मा गांधी ने. एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ, ये डील करती है विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज. इनसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय, सो दिस थ्योरी इज गिवन बाय द खोलर. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन का. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनल फोर्सेस ऑफ मोटिवेशन इज ट्रू. सो 82 की बात करें तो यहाँ आंसर होगा दे आर इम्पॉर्टेंट एज एक्सटर्नल फोर्सेस आर मोटिवेशन. ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन कॉर्पोरेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी. सो यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन में आंसर होगा राइट टू इक्वेलिटी के अंदर आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, रिलीजियस एक्ट एज अ ग्रेट बैरियर इन अ सोशल चेंज बिकॉज, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द फेथ. द बेस्ट वे टू रीड टू रॉन्ग आंसर गिवन आंसर बाय द स्टूडेंट इज ओके 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए टू एक्सप्लेन वाई द आंसर इज रॉन्ग. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहना चाहिए क्वेश्चन नंबर 83 का. अगला क्वेश्चन है 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन, सीक्वेंसेस में लगाना है प्लानिंग को, लेसन प्लान्स को बेसिकली. तो 84 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंप्लीशन ऑफ द इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड इन द स्कूल फॉर द स्टूडेंट्स. सो यहाँ पर आंसर होगा 87 का, दैट विल बी द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. 88 की बात करें, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? 343 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा 88 का करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ 88 के बाद अब बात करते हैं यहाँ पर 85 की, अ सिचुएशन वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल्स मीट टू जनरेट फ्यू आइडियाज अराउंड अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज, सो दिस इज कॉल्ड एज अ brainstorming. Option A correct answer. Okay, the process of being fair to men and women is also termed as. So 86 ka yahan par correct answer hoga option number B, gender equality. Question number 89. Which of the following is not a characteristics of philosophy? So yahan par philosophy is not related with the logical analysis of ultimate reality of the universe. Option number C hoga 89 number question ka correct answer. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90. सो यहाँ पर पूछा है डेमोक्रेसी इज एन आइडियोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन द, दिस इज बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल इज वर्थ प्रोटेक्टिंग एट एनी कॉस्ट. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा. 93 की बात करें तो एसेंस ऑफ पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन. ऑप्शन सी यहाँ पर होगा 93 का करेक्ट, नहीं सॉरी एक सेकेंड, इसका 93 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, सी नहीं होगा. अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू फियर इट्स मदर देन इट्स हर्ट एंड नाउ इट फियर एनी वुमन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ. सो 94 में यहाँ पर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 94 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. द टर्म विकारस रिइंफोर्समेंट इज रिलेटेड टू, सो दिस इज रिलेटेड विद द बंडूरा. ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा. 92 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्निंग कम्स आफ्टर द मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन इन द गवर्नेंस
हायरार्की ऑफ लर्निंग, दैट इज लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर 92 का करेक्ट आंसर होगा। 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। सो 95 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वुड्स डिस्पैच इन 1854। ठीक है, 96 की बात करें तो यहाँ पर आपका आएगा द साइंस डील्स विद द थिंग्स विच आर बियॉन्ड द फिजिकल अपीयरेंस इज नोन एज द मेटाफिजिक्स। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के बाद 97 के ऊपर। ओके, तो देखिए ये कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, नहीं फिजिक्स के ही हैं। ओके तो ओके चलिए देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन को। सो 97 में आपसे पूछा है लेट्स p इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 इज अ प्राइम देन। यहां पर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 97 में। 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर होगा टाइम पीरियड टाइम एंड रेडियस आर ऑफ द सर्कुलेटरी ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अबाउट द सन इज रिलेटेड बाय। तो यहां पर जो रिलेशन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर। ठीक है, रिलेशनशिप पूछा गया था बेसिकली यहां पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। सो लेट पी इज अ प्राइम नंबर एंड एन पी बी द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ये है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन पी। सो 98 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। ठीक है, 101, तो अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स अक्रॉस द टू फील्ड इफ। सो 101 का यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई सभी सही नहीं है। ठीक है, 99 पर आते हैं। 99 में आपसे पूछा गया है ओके लेट द जनरल इंटीग्रेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंस, आपको ये दिया गया है एंड यहाँ पर आपको आंसर होगा 99 में ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 102 नंबर क्वेश्चन, अ लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल इंडक्शन आर कनेक्टेड टू अ एसी सोर्स इन अ सीरीज थ्रू अ स्विच, द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर सम टाइम एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द कॉइल इंडक्शन इंडक्टर एंड एज द आयरन रॉड इज इंसर्टेड द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब, तो लाइट बल्ब का जो ग्लो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनचेंज्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 102 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है 3/2 kT पर मोल। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड इंडिकेशन ऑफ सेक्सुअलिटी इन द बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय, सो 106 इज डिस्कवर्ड बाय द टैटनम या टेटम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा 106 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104। सो 104 में आपसे पूछा है ट्रांजिशन मेटल आर ऑफन पैरामैग्नेटिक ओइंग टू, सो यहाँ पर आंसर होगा द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 107, द डिजीजेस प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस उस्टिलागो इज नोन एज बिकॉज इज नोन एज स्मट बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द दे प्रोड्यूस सूथी मासेस ऑफ स्पोर्स। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 105, एस्कॉर्बिक एसिड इज अ, एस्कॉर्बिक एसिड क्या होती है, ये होती है आपकी विटामिंस। ठीक है, एंड 80s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन, ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं यूकेरियोटिक सेल के अंदर। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 108 नंबर क्वेश्चन, देन हम बात करते हैं 109 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट कॉजेज द स्टमच यूट्रीन मसल्स टू कंडक्ट ड्यूरिंग द एनिमल पार्ट्रिशन विच रिलीजेस द प्राइमरी पिट्यूटरी ग्लैंड। सो 109 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑक्सीटोसिन। ठीक है, 112, विच डाटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लास्ट इन फर्स्ट आउट बिहेवियर। तो 112 में यहाँ पर मेरे ख्याल से नन ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा डाउट है बट आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन ई ही करेक्ट आंसर होगा। 110 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इन द सीक्वेंस बेस्ड ऑफ द डीएनए, ये जो सीक्वेंस दिया गया है द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन
ऑन द ट्रांसक्रिप्शन विल बी, ये क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, नहीं सॉरी सॉरी हाँ बी होगा, ठीक है 110 नंबर क्वेश्चन, 120 मतलब ठीक है बी होगा आंसर इसका। ओके ये हो गया, इसके बाद हमारा ये कौन सा क्वेश्चन था, 113 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थ्रू विच टेक्निक द स्पीड इम्बैलेंस बिटवीन द मेमोरी एसेस एंड द सीपीयू ऑपरेशन कैन बी रिड्यूस्ड, सो दिस कैन बी रिड्यूस्ड बाय द कैच मेमोरी और रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द मेमोरी, ये दोनों से रह सकता है और मेमोरी इंटरलीविंग से भी शायद होता है, पर दो का तो मुझे कंफर्म है, तो यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, हूज एक्सपेरिमेंट क्रैक द डीएनए एंड डिस्कवर द अनइक्विवली दैट जेनेटिक कोड ऑफ ट्रिपलेट, तो ये किसने डिस्कवर किया था, दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय द निर्बर्ग मिथी ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। द बोलन्स एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स, बोलन्स एक्सप्रेशन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं टू और एंड एंडेड गेट्स को टुगेदर, ठीक है ऑप्शन बी करेक्ट, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 का 115 पे आते हैं, द मैन द ओनली मैन बिस्मार्क हु कुड जज द फाइव बॉल्स ऑफ विच एटलीस्ट टू वर ऑलवेज इन एयर हु सेड, ये किसने कहा था, दिस इज सेड बाय द जर्मन एम्परर केजियर विलियम वन। 118 igneous rocks are formed from, so this is formed from the solidification of magma and lava, option C correct answer होगा 118वें number question का correct answer। 118 के बाद 119 की बात कर लेते हैं, which of the following is correct about the India के बारे में कौन से statement यहाँ पर correct है, तो 6th largest country गलत है, coastal line इतनी है नहीं, ये भी गलत है, मतलब तीनों गलत है आपकी, तो none of the above रहेगा यहाँ पर answer। मुद्रा राक्षस ऑफ विशाखा दत्त थ्रू लाइट ऑन द रिजिन ऑफ, ये किसके शायद काल के बारे में यहाँ पर बात कही गई है, तो दिस विल टॉक्स अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्यास पीरियड, ठीक है ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन, द इंडियन सिपाही फायर्ड एंड अटैक देयर ऑफेंस ऑफिसर्स इन विच पार्ट ऑफ द बिहार, सो 117 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर संथाल परगना। 120 नंबर क्वेश्चन, What is the total length of the Golden Quadrilateral and the highway network connecting four major cities in India? So, 120 number question का यहाँ पर correct answer होगा 5846 option B correct answer हो जाएगा, ठीक है? 120 के बाद हम बात करते हैं 121वें question की। So, who said children pass through a various stages of moral development which are age related? तो ये चीज किसने कही थी, ये कही थी खोलबर्ग ने, ठीक है। 124, विच स्कूल ऑफ थॉट हैज एस्टेब्लिश पावर एज अ एक्सिस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सो 124 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा शिकागो स्कूल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 125वें क्वेश्चन की बात करें, तो कौटिल्य हैज एक्सप्लेन द फोर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज विच इज इन द सीरीज, तो ये है आपके ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 125वें नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 122वें की बात करते हैं, विच नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ द मेमोरी प्रोसेस, तो स्टोरेज होता है बेसिकली, सेकंड स्टेज जो है वो स्टोरेज होता है, ठीक है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, सो हु कंसिडर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस एज एबिलिटी टू monitor one's own and others' emotion, to discriminate them and to use the information to guide one's thinking and action. So 123 यहाँ पर correct answer होगा option number A, Goleman. The sixth schedule of the Indian Constitution makes a special provision for the administration of which areas? ठीक है, so 126 में यहाँ पर हम बात करेंगे असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय की, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 126 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ 127 नंबर क्वेश्चन, ओके सो यहां पर 127 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1.5। 130 की बात करें, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ स्केंटी ऑफ हैबिट एंड
ओबीडियंस ऑफ अ पर्सन टू अ पर्सन हैज अ पोजिशन ऑफ डिविजनल पावर. सो 130 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ट्रेडिशनल ऑटो अथॉरिटी, दैट इज ऑप्शन डी. यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा लोन फॉर बिहार इंक्रीज इन 2019-22 बाई कितना बढ़ गया था ये, तो ये बढ़ा था आपका 9531.12 करोड़. नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन वॉज फॉर्म्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो 31वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था इसके लिए. 129 नंबर क्वेश्चन है, द अदर नेम ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक इज, मैक्रो इकोनॉमिक का अगला दूसरा नाम क्या है, वो होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, सो इसके जो राइटर हैं वो कौन है, वो हैं ईश्वरी कारवे, इरावती कारवे, नॉट ईश्वरी, दैट इज इरावती कारवे. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133. सो विच ग्लैंड कंट्रोल्स बेसल्स मेटाबॉलिज्म रेट, सो ये कौन सा ग्लैंड कंट्रोल करता है, तो ये कंट्रोल करता है ऑप्शन ए थायराइड. ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन मींस, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है यहाँ पर एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 136 का. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 134. सो 134 में आपसे पूछा है निर्मल भारत अभियान गोल यूनिवर्सल टॉयलेट कवरेज बाय द ईयर, कौन से साल तक था ये, 134वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2022. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है. रिपेयरिंग इनक्योर्ड बिफोर यूजिंग अ सेकेंड हैंड मोटर कार परचेज रिसेंटली इज अ, 137 का यहाँ पर रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर. ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135. कोल्ड स्टेरिलाइजेशन रिफर्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय, 135 की हम बात करें तो यहाँ पर हमें रेडिएशन मिलेगा. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. और यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 138 का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ओके, नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. 138 के बाद हम 139 की तरफ. व्हाट मेजर हैज द गवर्नमेंट टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंस एंड मार्केटिंग इन द स्मॉल स्केल सेक्टर्स, सो 139 का यहाँ पर आंसर होगा, एक तो होगा क्रेडिट टू द MSMEs और बी, मतलब बी और सी मेरे ख्याल से रहेंगे, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. 142 की बात करते हैं, धुंधुबी इज अ क्लासिफाइड एज अ, 142 की बात करना है यहाँ पर, ये क्लासिफाइड एज अ अवंधरा वैद्य, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143. तबला इज ट्यून्ड फॉर अकंपनीमेंट ऑफ ऑन, तो ये आंसर होगा यहाँ पर शहादात सवार, दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 140. व्हाट इज द एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल स्कीम, ये क्या है बेसिकली, ये स्कीम है आपकी रिलेटेड विद द अलाउंस ऑफ एक्सपोर्टर टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स एट जीरो ड्यूटी. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144. हाउ मेनी धातुस ऑफ प्रबंधा हैज बीन एक्सेप्टेड, सो यहाँ पर 144 का करेक्ट आंसर होगा 4. ऑप्शन नंबर सी. पीएसई आर ऑर्गेनाइज्ड ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर ओन्ड बाय द, 141 की हम यहाँ बात करें तो ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145 नंबर क्वेश्चन. तो यहाँ पर एसेइस्ट पेरिस्पी इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ, ये किसकी डॉक्ट्राइन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, बार्कले की. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. 148. विच प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट एडवोकेट्स दैट द एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉई टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, सो 148 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146. सांख्य थ्योरी ऑफ सत्कर्मवाद
सेज, ये क्या कहती है ये थ्योरी? तो ये थ्योरी कहती है द इफेक्ट ऑफ प्री एग्जिस्टेंस इन द कॉज ऑफ लेटेंट फॉर्म. 149, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट हाईलाइट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. नॉट के बारे में बात करी गई है, तो यहाँ पर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर सेपरेट ट्विन्स ऑफ द मैनेजमेंट. ये सेपरेट नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है, ये नॉट करेक्ट होगा यहाँ पर. ओके, लास्ट के दो क्वेश्चन है हमारे. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं 147 नंबर क्वेश्चन की. रिलीजियस फंडामेंटलिज्म लुक्स फॉर, ये किसके बारे में बात करता है? इलिटरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स एज अ मैकेनिज्म फॉर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. आइडेंटिफाई द रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज. तो 150 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज. ठीक है, सो ये थे हमारे 150 क्वेश्चंस. मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर सबको देने की कोशिश करी है. ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2.0. मतलब 2.0 इसलिए मैंने दिया है, या कई लोगों ने इसको 2.0 कहा है, बिकॉज ये इसी साल के अंदर दूसरी बार ये एग्जाम हो रहा है. और ये एग्जाम होता आपका हुआ था आपका किस पोस्ट के लिए? हेड मास्टर की पोस्ट के लिए. हेड मास्टर की पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था, एचएम की पोस्ट के लिए. और ये एग्जाम हुआ था 7th दिसंबर को, 7th दिसंबर 2023 को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है. ठीक है, और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. और वीडियो कैसा लगा है जरूर बताएं. वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर जो चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.